नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मिश्रा हाउस टेक्निक पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जो हमारे घर की बाहरी दीवारें होती हैं उनको सीलन से किस तरह से रोका जाए कि जो बरसात के टाइम में हमारे घर में अंदर सीलन आती है वो ना आए, और इस में क्या प्रोसीज़र है, क्या केमिकल मिलाया है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे एक बिल्डिंग की बाहर की दीवार है और इसमें हमने इस तरह से कुछ पैड बनाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ बनती हुई जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये 4 इंच की एक दीवार है जिस पे ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, और इसमें हमने पिलर दे रखे हैं। जब इस तरह से आपकी पैड ऊपर तक तैयार हो जाए तो इस तरह से आप ग्राउटिंग करवा सकते हैं। और ध्यान रहे, दीवार अच्छी तरह से तर होनी चाहिए और उस पे सीमेंट का घोल लगा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आपके घोल में और सीमेंट के मसाले में जो सीलन वाला केमिकल होता है वो ज़रूर मिला होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमने इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया है। ग्रॉटिंग कुछ इस तरह से पतली पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी ना हो, क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद वो पापड़ बनकर उतर जाती है। आप ये देख सकते हैं, ऊपर हमने एक पैड की ग्राउटिंग कर दी है और नीचे वाली पैड पर ग्राउटिंग कर रहे हैं। इस तरह से जब हमारी सारी दीवार हो जाए, जब हमारी सारी दीवार पे इस तरह से ग्राउटिंग हो जाती है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने इस पे क्या करना है मैं अभी आपको ये बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ग्राउटिंग जो है वो हमने बहुत ही पतली पतली कर रखी है और दीवार बिल्कुल ही हमारी तर है। जब आपका ग्राउटिंग हो जाए तो इस तरह से एक साफ़ कपड़ा लें और इस तरह से उस कपड़े को दीवार पे इस तरह से मार दें कि जो दीवार पे हमारे सफाई सी आ जाए और कहीं पर भी बरसात का पानी रुके ना। जैसे करनी के जो निशान हो जाते हैं वहाँ खड्ढे हो जाते हैं, तो कपड़ा मारने से वो सब आपके इस तरह से कुछ बराबर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रॉटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके ऊपर चाहें तो सीमेंट का ऊपर से पाना भी लगवा सकते हैं, जिसे घोल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने मकान के चारों तरफ पूरी तरह से ग्रॉटिंग कर दी है और इसमें हमने सीलन के लिए जो केमिकल मिलाया है, जो वाटरप्रूफ मिलाया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने कौन सा वाटरप्रूफ मिलाया है जिससे हमारे घर के अंदर कभी सीलन नहीं जाएगी। दोस्तों, ये जो हमारा केमिकल है वो ड्यूरागार्ड सीमेंट वालों का 0M है। ये ड्यूरागार्ड जो सीमेंट आती है ये उनका ही केमिकल है और ये डॉक्टर फिक्सिड से बहुत ही कम रेट पर मार्केट में उपलब्ध है, और ये डॉक्टर फिक्सिड से कम मात्रा में सीमेंट में डाला जाता है। ये एक बोरी के सीमेंट के मसाले में 150 ml डलता है और डॉक्टर फिक्सिड जो है हमारा वो 2 ml डलता है। ये आप देख सकते हैं, हमने जो वहाँ पे सीमेंट में घोल लगाया था दीवारों पे, उसमें भी हमने इस केमिकल को इस तरह से मिलाया था और फिर सीमेंट का घोल इस तरह से बनाया था। जो हमने दीवार पर पहले घोल लगाया है वो केमिकल मिला कर लगाया था, उसके बाद हमने इस केमिकल को मसाले में भी मिलाया। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपका अगर जो कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और अगर जो आप घर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच जाएँ।